हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 12 अप्रैल 2020 के हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली आना क्राकाताऊ वॉल्केनो इरप्टेड इन विच कंट्री। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इनमें से ये कौन सा देश है जहां पर आना क्राकाताऊ नाम का एक वॉल्केनो है जो कि अभी फट पड़ा। तो ये इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जकार्ता, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया ने अगले 10 साल के लिए ईस्ट कलिमंतन, जिसको बोर्नियो के नाम से भी जाना जाता है, बोर्नियो को ट्रायल बेसिस पर अगले 10 साल के लिए अपनी कैपिटल रखा हुआ है। अगर ट्रायल बेसिस पर यह सटीक बैठता है तो 10 साल के बाद जकार्ता से स्विच कर देगा इंडोनेशिया अपनी कैपिटल कहां पर? बोर्नियो में। ध्यान रहे लास्ट ईयर इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति भी बने हैं जिनका नाम है जोको विडोडो, जोको विडोडो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और घाना की कैपिटल है अक्र। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सेट अप हाउ मेनी कोविड 19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल। भारत सरकार ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि पूरे भारत में ऐसे कितने हॉस्पिटल बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड 19 पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा और भी कोई भी केस यहां पर नहीं देखा जाएगा। देखो एक सीधी सी बात है, ऐसे हॉस्पिटल जहां पर अनदर डिसीजेस का उपचार हो रहा है, अगर वहां पर कोविड 19 का भी उपचार किया जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से तो और भी जो पेशेंट है वो भी कोविड 19 के शिकार हो जाएंगे। इस वजह से 100% डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात चल रही है। भारत सरकार ने अनाउंस किया कि पूरे भारत में 586 हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जो कि पूरे तरीके से कोविड 19 में डेडिकेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का। कौन से दिन इसको मनाया जाता है? इसको हर साल 12 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे, आपको पता होना चाहिए ये जो दिन है, अंतरराष्ट्रीय दिवस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? द डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ यूरी गागरिन्स हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट इन 1961। 1961 में यूरी गागरिन जो अपनी स्पेस फ्लाइट में थे, इसकी वजह से ये एक तरीके का ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो ये 12 अप्रैल का दिन था जब वो स्पेस में गए थे और इसी वजह से ये उनको डेडिकेट किया जाता है एक तरीके से, दिन एक तरीके से उनके कोमेमोरेट में इसको मनाया जाता है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिफात चटर्जी। रिफात चटर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट थे। कौन से देश से चटर्जी बिलोंग करते थे? तो रिफात चटर्जी बिलोंग करते थे इराक से। इराक के एमिनेंट आर्किटेक्ट रिफात चटर्जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। 93 साल की इनकी उम्र थी। अब देखो यहां पर इराक की बात हुई है तो इराक से बनने वाले कई सारे और भी क्वेश्चन है। इराक में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अदनान उल जुर्फी, अदनान उल जुर्फी। इन्होंने सक्सीड किया था मोहम्मद अलवी को, मोहम्मद अलवी इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। अब इराक के, तो प्रधानमंत्री की बात हो गई, इराक में राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है बरहम साली, बरहम साली, ओके। और इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। यूके की कैपिटल लंदन, रशिया की कैपिटल मॉस्को और नेपाल की कैपिटल काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज डेवलप्ड अ डिवाइस फिटेड विद अल्ट्रा वायलेट जर्मिस्टल इरेडिकेशन टेक्नोलॉजी टू सैनिटाइज ग्रोसरी आइटम्स एंड करेंसी नोट। आपसे कह रहा है ये कौन सा IIT है इनमें से जिसने अभी हाल ही में एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि अल्ट्रा वायलेट इरेडिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसका उपयोग किया जाएगा ग्रोसरी आइटम्स और जो नोट्स हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए। देखो गाइस, आप लोगों को भी बताया कि ये नोट्स वगैरह हो गए या ग्रोसरी आइटम्स हो गए, इनसे भी कोविड 19 फैल सकता है। हर वो चीज जहां पर इस तरीके का कहीं ना कहीं टच होगा, उस हर एक चीज से कोविड 19 फैल सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अभी एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो करेंसी नोट्स का चैलेंज सामने आ रहा है कि करेंसी नोट्स को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए और ग्रोसरी आइटम्स को कैसे सैनिटाइज किया जाए। तो इसके लिए ये हमारा IIT है, IIT रोपड़। तो ये हमारा एक ऐसा IIT है जिन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना दी है जो कि अल्ट्रा वायलेट, मतलब UV जिसे बोलते हैं, UV जर्मिसिडल इरेडिएशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस है, जिसकी मदद से जो करेंसी नोट्स हैं और ग्रोसरी आइटम है इनको सैनिटाइज किया जाएगा। ध्यान रखिए, अभी एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि हाल ही में ये कौन सा IIT है जिसने इसाक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसाक प्रोजेक्ट को IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस।
आपसे कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जिसको कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शन से दूर रखा जाएगा, मतलब ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो ये है फिशिंग एंड एक्वा कल्चर इंडस्ट्री। तो मतलब कहने का कि मत्स्य पालन वगैरह ये सारी इंडस्ट्री चालू रहेगी। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर इज द फेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड ट्विटर कैंपेन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीयों के लिए ट्विटर कैंपेन एक चला रही है, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोविड-19 के चलते कई सारी पॉलिसीज चेंज हुई है। इसके तहत इन्होंने इस ट्विटर कैंपेन को प्रमोट करने के लिए किस बॉलीवुड एक्टर को चुना है? इन्होंने चुना है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन आरबीआई के इस ट्विटर कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ध्यान रखिएगा आरबीआई के 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी इनका नाम क्या है? इनका नाम है शांति हीरानंद चावला। अभी हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया। ये क्या थी? क्लासिकल सिंगर थी, डांसर थी, पॉलिटिशियन थी या फिर राइटर थी? तो आपको ध्यान रखना है शांति हीरानंद चावला, जिनका अभी निधन हो गया हाल ही में, ये एक क्लासिकल सिंगर थे। यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, इनको एक टाइटल भी दिया गया था। इनको किस टाइटल से नवाजा गया था? इनको मल्लिकाए गजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्लिकाए गजल के नाम से भी इनको जाना जाता है। सो काफी एमिनेंट सिंगर थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद यूनिसेफ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च डिजिटल कैंपेन टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्राइबल गैदर्स। आपसे कह रहा है ये कौन सी भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने अभी हाल ही में यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक ऐसा डिजिटल कैंपेन चालू किया है जो कि ट्राइबल्स के लिए चलाया जा रहा है, उन्हें कोविड-19 से बचाने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। तो ये है ट्राइफेड। एंड ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, नाम मत भूलिएगा ट्राइफेड, और आप पूरी इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें तो फिर उससे भी अच्छा है वो। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, और WHO के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? आज का आपका यही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि WHO के प्रेसिडेंट कौन है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड ऑपरेशन शील्ड इन कंटेनमेंट एरियाज अगेंस्ट कोविड-19। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा भारतीय राज्य है जिन्होंने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है कोविड-19 की रोकथाम के लिए? ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार। इन्होंने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। देखो है क्या ऑपरेशन शील्ड, क्यों चलाया गया? बेसिकली ऑपरेशन शील्ड का मतलब है कि दिल्ली को, पूरे दिल्ली को सील कर दिया गया है। सबसे पहले अगर दिल्ली के किस एरिया की बात करें जहां पर दिल्ली को कोविड-19 के तहत शील्ड कर दिया गया था, ये है ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में दिलशाद गार्डन को सील कर दिया गया था, जहां पर एक फॉरेनर महिला पकड़ी गई थी और जिसकी जिसको जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थी, और उसके द्वारा टच किए गए 7 लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से ही दिल्ली सरकार हरकत में आई है और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फैसला लिया कि पूरे दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड को लिवाई कर देंगे। और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा बजट लॉन्च किया गया है, दिल्ली बजट 2020। इस बजट को जरूर पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छा बजट है, इसको एक बार जरूर पढ़ें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हुआ है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। और ये है मेरा रेफरल कोड Varun777, इसका आप यूज कर सकते हो Unacademy पर किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। इसका अगर आप यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।